पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा ने जब इस विषय से उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा था कि अपने कार्यकाल में उन्होंने एक वास्तु विशेषज्ञ के कहने से विधानसभा के कुछ बदलाव किए थे और अब कुछ भी बदलाव करना मौजूदा स्पीकर के ऊपर निर्भर है, हालांकि मैं उन्हें ऐसी कोई सलाह नहीं दूंगा। मैं जैसा कि इस बात को मानता हूँ कि वास्तु विज्ञान है कि जिस भवन के बारे में कुछ निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है। मैं 5 साल रहा तब भी ये बात उठी, किंतु मैंने कभी किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को बुला करके दिखाया नहीं। एक बार मेरे मित्र हैं, उनसे जरूर कहा था तो वो आए थे और उन्होंने कोई बड़े परिवर्तन बताए भी नहीं। वो परिवर्तन किए गए थे, एक छोटा सा परिवर्तन उसमें किया था जो मेन उधर बिरला मंदिर के सामने का गेट है, उसको उन्होंने कहा था कि इसको एक गेट इसका बना दो, तो छोटा ही गेट एक औपचारिक बना दिया गया था ताकि वो सीधा उनका था कि दिखता नहीं है यहाँ से। बाकी कोई परिवर्तन बड़े नहीं किए, ना उन्होंने कुछ सजेस्ट किए। क्योंकि आप पूर्व में यहाँ पे अध्यक्ष रहे हैं, आपने यहाँ पे सदन में संभाली है पूरी, क्या आपको लगता है कि अब वर्तमान सरकार जो है इस पे एक्शन लेना चाहिए, कुछ यहाँ पे भी पूजा पाठ होनी चाहिए या कुछ बड़े कदम भी इस पे उठाने चाहिए? देखिए, मैं इस पर कोई सलाह नहीं दूंगा, स्पीकर साहब तय करें कि ये कुछ करना चाहिए नहीं। व्यक्तिगत राय के हिसाब से क्या यहाँ पे होना चाहिए? मेरी व्यक्तिगत राय होती तो मैं पहले कर ही देता। तो साफ तौर पे यहाँ पे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा का मानना है कि वास्तु दोष होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जब शासन काल था उसमें भी छोटे मोटे यहाँ पे वास्तु शास्त्र पूजा भी करवाई थी और कुछ परिवर्तन भी करवाया था। हालांकि वर्तमान स्थिति में जो कांग्रेस सरकार है उसको लेके वास्तु में क्या करना चाहिए बोलते हुए बचते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल।